भिंड जिले की सभी तहसील मेहगांव, लहार, अटेर, गोरमी, रोज, मो, पिपलिया, मिहोना व गोहद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। देश के कांग्रेस ने भी कई लड़ाइयां लड़ी है। कांग्रेस भी देश हित पार्टी है। उक्त बात वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा के समारोह में कही। कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने भी कही। उन्होंने कहा कि आज भाजपा अपने आप को राम की पार्टी कहती है, क्या कांग्रेस राम की पार्टी नहीं है? हम भी राम को मानते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सभी वर्ग की पार्टी है, भाजपा मजहब जाति में देश को बांटने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कहा कि मैं दबोह के कार्यकर्ताओं का दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हाथ जोड़ो यात्रा दबोह व उसके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही स्तर से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार शर्मा, मुख्य अतिथि मानवेंद्र सिंह उर्फ मोंटी ने की। विशेष अतिथि के रूप में किशोरी पराशर, पूर्व सरपंच बड़ा गांव उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में वार्ड पार्षद सुधीर तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन कप्तान सिंह कौरव ने किया। टीम भारती न्यूज। हालांकि उस समय के लोग नहीं, पर जानकारी तो आप सब लोगों को होगी। आज 80 साल पहले का समय याद करिए, जब देश में अंग्रेजों का काला शासन था। समय दोहरा रहा है अपने आप को, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का काला शासन था, आज भाजपा का काला शासन है। बिल्कुल सही। उस समय भी दमनकारी नीतियां थी और आज भी वैसी ही दमनकारी, षड्यंत्रकारी और तानाशाही वाली नीतियां हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो आज भारत जोड़ो आंदोलन चलाया है हमारे नेताओं ने। उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, आज भी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ो आंदोलन चलाया है। और इस आंदोलन का उद्देश्य घर घर अंतिम स्तर तक के व्यक्ति को सही बात की जानकारी देना है, जिसे आप और हमारी जिम्मेदारी है कि अंतिम स्तर के व्यक्ति को शासन की काले कानून और काली नीतियों की जानकारियां दे और फिर निर्णय उनके हाथ में छोड़े। हम नहीं कहते आप किसी पार्टी को वोट दो, निर्णय उनके हाथ में, निर्णय उन मतदाताओं के हाथ में कि आखिर वोट तानाशाही सरकार को देना है कि एक देशभक्त पार्टी के हित में वोट देना है। बात करते हैं राष्ट्रवाद की, भाजपा वाले आप ये बताइए कि युद्ध क्या है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद नहीं थी, जिसने तीन तीन युद्ध लड़े, तीन तीन युद्ध पाकिस्तान से जीते। भाजपा ने कितने युद्ध जीत लिए? कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। इतनी सफलता कभी भी अभी मोदी जी ने या कोई भी भाजपा के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं पाई। आप सोचिए, दो टुकड़े पाकिस्तान के जब हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और ये वर्तमान पाकिस्तान, तब दूसरा अपना दुश्मन कमजोर हुआ। क्या इतना मोदी जी ने कर पाया? और राष्ट्रवाद का ठेका लेते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी नहीं थी, देशभक्त नहीं थी? ठेका उनका अकेला नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने हरदम देशभक्ति का सबूत दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और उनके परिवार के कई लोगों ने अपने अपने समय पर अपना अपना पूरा योगदान दिया। तीन तीन दो दो नेताओं ने, उनके लोगों ने, अपने कांग्रेस के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, जीवन का त्याग कर दिया। राजीव गांधी जी जिन्हें देश विरोधी लोगों ने मार दिया, अगर वो राष्ट्रवादी नहीं थे, क्या जरूरत थी कि देश विरोधी लोगों ने मारते? इंदिरा गांधी जी को देश विरोधी लोगों ने मार दिया, किस वजह से मारा? बात करते हैं राष्ट्रवाद की कि हम बहुत बड़े राष्ट्र भक्त हैं और हिंदू भक्त हैं। अन्य लोग क्या हिंदू नहीं है? आज आप और हम क्या हिंदू नहीं है? जो किसानों का कर्जा दो बार माफ हुआ, पहली बार केंद्र के शासन ने किया, किसी भाजपा शासन ने क्या पहले कोई किसान का कर्जा माफ किया? Subscribe now to most exciting channel ever.